सनी देओल का वो डायलॉग तो सुना होगा, ये मजदूर का हाथ है कातिया, आदमी उठता नहीं उठ जाता है। अब तक तो डायलॉग सुना होगा वो भी फिल्मों में, लेकिन असल में मजदूर के हाथ को गाल पर पड़ते देखा है। अभी दिखाएंगे मजदूर के हाथ को तहसीलदार के गाल पर पड़ते हुए। दरअसल मामला था दो पक्षों में, कोई जमीन विवाद का और तहसीलदार साहब विवाद सुलझाने गए थे, साथ में राजस्व विभाग के कई अधिकारी भी थे और पुलिस भी थी। तहसीलदार साहब थोड़ा जोश में आ गए, किसान पर थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया तो किसान ने सीधा थप्पड़ जड़ दिया। अब किसान था, मजदूर का हाथ था, तहसीलदार साहब धड़ाम हो गए जमीन पर। वैसे ये गलत है, ऐसे किसी पर हाथ उठाना मामला बातचीत से सुलझना चाहिए, हाथ नहीं उठाना चाहिए। बहरहाल पूरा ये जो मामला है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी किसान को गिरफ्तार कर लिया है। लेखपाल के लिखित शिकायत के बाद सभी को जेल भेज दिया गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर पूरा वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इंडिया टुडे से जुड़े सुधीर शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक थाना जसराना अंतर्गत नगला तुरसी गांव में दो पक्षों में एक जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और उसी में एक पक्ष ने अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करने की शिकायत की थी। शनिवार 22 जून को विवाद को सुलझाने के लिए जसराना के तहसीलदार लालता प्रसाद गांव पहुंचे थे और उसके साथ पुलिस फोर्स के साथ राजस्व की टीम भी पहुंची थी। तहसीलदार ने दोनों पक्षों को मौके पर बुलाया और उनसे बातचीत शुरू की। इस मौके पर दूसरे पक्ष के धर्मेंद्र और वीरेश्वर भी मौके पर पहुंचे, हंगामा करने लगे। तहसीलदार और राजस्व टीम ने विवाद करने से रोका तो दोनों ने तहसीलदार के साथ ही मुक्की की और अभद्रता शुरू कर दी। इतने में तहसीलदार ने जैसे ही वीरेश्वर को डराने के लिए हाथ बढ़ाया, इतने में उसने तहसीलदार को दो थप्पड़ जड़ दिए। तुरंत मौके पर मौजूद अधिकारियों ने उन्हें उठाया। इस घटना के बाद पुलिसकर्मियों ने तुरंत दोनों आरोपियों धर्मेंद्र और वीरेश्वर को गिरफ्तार कर लिया। लेखपाल की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ शांति भंग की कार्यवाही करते हुए एसडीएम के सामने पेश किया, जिसके बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, खास मुद्दे की बात और उन लोगों के काम की बात जो बनना चाहते हैं सोशल मीडिया यानी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर एक बड़ा इन्फ्लुएंसर और महीने के हजारों लाखों कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेबाक राजस्थान एसके क्रिएटर्स के साथ में लेकर वो चीज आए हैं, यानी कि मास्टर क्लास कोर्स लेकर आए हैं जो आपको बनाएगा इंस्टाग्राम और यूट्यूब का बादशाह। आप यूट्यूब के चैनल पर जीरो से लाखों सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम पर भी जीरो से लाखों फॉलोअर्स कैसे बनाने हैं, कैसे बनेंगे, यूट्यूब चैनल बनाने से लेकर लाखों सब्सक्राइबर गेन करने तक हर छोटी से छोटी जानकारी इस मास्टर क्लास के अंदर आपको सिखाई जाएगी, सब कुछ सिखाएंगे। दो महीने की ये मास्टर क्लास है, हर हफ्ते 5 क्लास होंगी। आप बन सकते हैं जीरो से हीरो, हर वो टेक्निकल नॉलेज जिसके बूते पर आप अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, नीचे लिखे नंबर पर कॉन्टेक्ट करो और अपनी सीट बुक करवा लो, क्योंकि बहुत सीमित सीटें हैं। बाकी फीस कितनी है, आपको और क्या क्या जरूरी जानकारी चाहिए, वो सब कुछ आप इस नंबर पर पूछ सकते हो। आरएनटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहां आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लेबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद एआई टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और एमएलएसयू उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें बीसीए, बीकॉम, बीएससी, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, बीए, बीएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीएसटीसी, एमए, एमएससी, एमकॉम। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, एनसीसी एक्टिविटीज ताकि एनसीसी कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है आरएनटी एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का, तो आज ही ज्वाइन करें आरएनटी एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।